हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत है एक बार जल्दी से कंफर्म करेंगे आप सभी तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं ये बताएंगे हेलो रज्जू नीलू पूरन सिंह नीड स्टाइल रूमम रूपम सभी का स्वागत है जितने बच्चे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मतलब जैसा कि आप सभी लोग बोल रहे थे कि मिक्स क्वेश्चन हमें चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों से क्वेश्चन चाहिए उसी के आधार पर तीनों के ही क्वेश्चन आप सभी के बीच में लाए गए हैं तो स्टार्ट किया जाए जल्दी से बताएंगे जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके कि आप सभी की क्लासेस स्टार्ट करी जाए साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि हमारा सिक्स टू एट का जो बैच है एप्लीकेशन पर जो क्लासेस है या नाइन टेंथ की जो क्लासेस है वो बहुत जल्द आपको मिलने वाली बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाली है तो देखेंगे आज की क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे फिजिक्स से भी रहेंगे केमिस्ट्री से भी रहेंगे और बायोलॉजी से तीनों से क्वेश्चन मिलेंगे साथ ही साथ आ जाए आपका अच्छा ठीक है सूर्य प्रकाश है ठीक है साथ ही साथ मंडे से मंडे से आपको बता देते देखो कहीं ना कहीं अभी तक की लेवल जो है आपका बहुत ज्यादा हाई नहीं था बहुत ज्यादा हाई नहीं था मतलब ऐसा था कि पुराना पहले रिवाइज करो फिर जा करके आगे की तैयारी करो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने जा रहे हैं ठीक है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होंगे मंडे से चाहे वो ग्यारह बजे की क्लास हो चाहे फिर वो एक बजे की क्लास हो मतलब एक नए प्रैक्टिस सेट जिसको कहते हैं वो मंडे से अभी स्टार्ट होंगे बाकी ये क्लासेस जो चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी साथ ही साथ आपको पता है चाहे आप टी वाला एग्जाम दो या मतलब कहने का मतलब सिक्स टू ट्वेल्थ तक के जितने भी एग्जाम होंगे ठीक है उसमें जीएस वाला पार्ट भी आएगा तो उस जीएस में आपको पता है ईवीएस भी ऐड है और साइंस भी ऐड, ठीक है ईवीएस भी ऐड है और साइंस भी ऐड, है कहीं ना कहीं आप अगर इसमें अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनता अस्सी नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा तो ये कहीं ना कहीं तीस नंबर क्योंकि अगर पिछला वाला पेपर देखा जाए सोलह क्वेश्चन से क्वेश्चन साइंस से, से इस तरीके से पूछे गए तो कहीं ना कहीं आपके लिए आपको दो दिन मिलेंगी वो दो दिन कौन से होंगे थर्सडे और फ्राइडे ठीक है थर्सडे और फ्राइडे को ये आपको ईवीएस प्लस साइंस की तीस नंबर वाली क्लास मिलेंगी साथ ही साथ बाकी जितने दिन होंगे ये हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे जिसमें एक अच्छे लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे चलिए अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं ठीक है अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं सभी बच्चे जल्दी-जल्दी से ज्वाइन कर लो और स्टार्ट कर रहे 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा लगभग कितने के बराबर होगी एक 1 किलोग्राम पदार्थ की तुल्य ऊर्जा कितने के बराबर होगी द एनर्जी इक्विवेलेंट टू वन किलोग्राम ऑफ मैटर इज अबाउट बी वाला ऑप्शन और ये पोल तो लगाए नहीं आज पोल चाहिए तुम लोग को पोल चाहिए कि नहीं चाहिए बताऊं पोल तो लगाना ही भूल गए दो मिनट रुक जाओ दो मिनट का समय दो हमें तब तक की प्रश्न को सॉल्व करो तब तक की प्रश्न का उत्तर दो बस दो सेकंड में लग जाएगा कैसे सॉल्व किया ये बताएंगे एक किलोग्राम मास की वैल्यू कितनी दे, दे, दी गई है वन केजी दे दी गई है मास की वैल्यू वन केजी। जी फॉर्मूला क्या होता है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर सी की वैल्यू क्या होती है थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकेंड वही लाइट की स्पीड बस आपको वैल्यू रख देनी है वन इंटू थ्री टू दी पावर एट का स्क्वायर Nine into 16. तो कहीं ना कहीं आप इसको दस के इक्वल मान सकते हो आप इसको दस के इक्वल ठीक है क्या हो जाएगा किसके इक्वल है लगभग किसके इक्वल भैया तुम लोग बी कैसे बता रहे हो बी कैसे आया बी तो किसी कोने से नहीं आ रहा है रुको पहले पोल दे तो तुम्हारी पोल खुले चलो अब आंसर करना शुरू करो अब आंसर करना शुरू करो अब तो सब सही लगा ही दोगे ना अब तो सब सही लगा ही दोगे ये फोर्टीन कैसे आ रहा है तुम लोगों का जय श्री कृष्णा विजय तुम्हारा सही है तुम पोल का वेट कर अब देखो कितनी जल्दी कितनी जल्दी बीस से सी हो गया ठीक है बीस से सी होने में समय नहीं लगा इनका टेन टू दावर सेवनटीन एक किलोग्राम पदार्थ की ऊर्जा टेन टू दी पावर सेवनटीन जूल के बराबर होती है ठीक है दिन ही खराब है पोल तो दिया ही नहीं चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या सेकंड सेकंड क्वेश्चन देखेंगे वह निर्देश फ्रेम जिसमें सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल होती है द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज सी इन ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं में ठीक है एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल समान होती है एक होती है ठीक है तो ये सूर्य वाली स्थिति में पृथ्वी वाली स्थिति में अजड़ी फ्रेम में या फिर जड़तवीय निर्देशीय फ्रेम में बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न का उत्तर देंगे क्या हो जाएगा सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल c होती है कोई भी डायरेक्शन देख लो सी मतलब थ्री इन टू टेन टू दावर एट इसको क्या कहते हैं एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एक रेफरेंस फ्रेम मानते हैं ना जहाँ से सभी की डायरेक्शन देखी जाती है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम लेते हैं जहाँ से सभी की डायरेक्शन देखी जाती है क्या आंसर हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा डी वाला आंसर ठीक है आंसर कौन सा हो जाएगा डी वाला आंसर 90 परसेंट बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री प्रश्न संख्या तीन एक पंप मशीन दो किलो किलोवाट की है। एक मिनट में दस मीटर ऊंचाई तक कितना पानी पंप करेगी अगर जी की वैल्यू जी की वैल्यू टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है फटाफट से सॉल्व करना शुरू करो कहा बीएससी का टॉपिक है ये ये तुमको टॉपिक लग हैं फ्रेम 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 क्लास में में पढ़ते हो ये। सिर्फ फ्रेम के बारे में ही तो पूछा है। थोड़ी जो पुराना पूछा गया है जहा हुआ वहां प्रश्न उठा उठा दिए कोई ब्लेम भी नहीं कर पाया कि पेपर बना दियो भले ही वो लोग कह रहे हैं कि हाँ मैंने पेपर टफ बना दिया लेकिन क्या फायदा है टफ का जब बच्चे फेल हो गए इसे बताओ एक पंप मशीन दो किलो वोट की है एक मिनट में दस मीटर ऊंचाई तक कितना पानी पंप करेगी बताना शुरू कर दो कितना पावर देखो किलो वोट किसकी यूनिट होती है पावर की यूनिट होती है तो अगर हम पावर की बात करें दो किलो वोट मतलब दो हजार वॉट दो किलो वोट का मतलब दो हजार वाट। साथ ही साथ एक मिनट में दस मीटर ऊंचाई तक की एक मिनट में दस मीटर ऊंचाई तक की तो अब क्या कर सकते हो P इज इक्वल टू बी होता है या W इज टू या एनर्जी इज टू क्या होता है पावर इन टाइम एनर्जी इज टू क्या होता है पावर इन टाइम होता है तो पावर कितनी है दो हजार टाइम कितना है एक मिनट एक मिनट मतलब साठ सेकेंड ठीक है साठ सेकेंड और यही एनर्जी किसके बराबर हो जाती है एम जी के वही स्थिति ऊर्जा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू इंटू टेन टू दी पावर थ्री इंटू सिक्सटी जी की वैल्यू दे दी गई है H की वैल्यू दी गई है कितना पानी पंप करेगी वॉल्यूम वॉल्यूम पूछ रहा है लीटर में है ना लीटर में है ना क्या हो जाएगा M इज इक्वल टू टू अपॉन में जी इंटू एच की वैल्यू बस रख देनी है आपको जी की वैल्यू कितनी है टेन एच की वैल्यू कितनी है टेन सॉल्व कर लो जीरो से जीरो गया और एक जीरो से ये दो बचे दूनी अगर उस तरीके से देखा जाए मास में तो केजी आ जाएगा लेकिन इसी को कोई लीटर में हम बारह सो लीटर लिख सकते हैं लीटर में हम इसी कोई बारह सो लीटर लिख सकते हैं बी वाला आंसर सही होगा कितने बच्चों का आंसर सही है कितने मैम माइक ले लीजिए अच्छा ठीक है

इसके अलावा कौन सा फॉर्मूला लगाया गया इसमें इसके अलावा कौन सा फॉर्मूला लगाया गया है कोई बात नहीं है रच सचिन पोल नहीं वो समझ में आता है आप बस आंसर करते रहो आप बस आंसर करते रहो आपको आ जाएगा कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो हाँ मिनी तब भी तो नहीं कर पा रहे बच्चे ये बताओ कि कोई ऐसा हो जिसको नहीं आ रहा हो पोल अभी हम कट कर देंगे पोल पे मत आंसर करो इसे बताओ पहले एक पंप मशीन दो किलो वोट की है ठीक है एक मिनट में दस ऊंचाई तक मीटर ऊंचाई तक कितना पानी पंप करेगी वॉल्यूम पूछ रहा है कितना पानी पंप करेगी बारह सौ लीटर पानी पंप करेगी रिपीट कर दे ठीक है देखो पावर दुबाना दे दिया गया टू इन टू टेन टू दावर थ्री वॉट ठीक है टाइम तुम्हारा दे दिया गया है एक मिनट मतलब कि इसको लिख सकते हो साठ सेकंड हाइट तुम्हारी दे दी गई है दस मीटर, मीटर डायरेक्ट फॉर्मूला पी इज इक्वल टू होता है तो यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो कार्य कार्य मतलब एनर्जी कहीं ना कहीं होता है कार्य का मतलब एनर्जी होता है तो पी इन टू टी लगा सकते हो यह ही लिख लो पावर कितना दिया गया है टू इन टू टेन टू द पावर थ्री टाइम कितना दिया गया, गया है सिक्सटी अब आप जानते हो स्थिति ऊर्जा ये ऊर्जा की यूनिट होती है ना आप इसी को ई के बराबर लिख सकते हो स्थिति ऊर्जा किसके बराबर होती है एम जी एच यू इज टू एम जी एच टू इन टू टू दावर थ्री इन टू सिक्सटी ठीक है एम की वैल्यू निकालनी है जी की वैल्यू टेन है एच की वैल्यू टेन है टू इंटू टेन टू दावर थ्री इंटू सिक्स से जीरो कट गया एम इज इक्वल टू टू इंटू टेन टू दावर थ्री बाई टेन एक उससे ये वाला कट गया कितना गया छः बारह सौ जी आप इसी को लीटर में लिख दो कितना आ जाएगा वॉल्यूम कितना आ जाएगा बारह सौ लीटर कोई भी ऐसा आज पहला दिन है हमने बताया ना अभी तक की जो क्वेश्चन करवाए जा रहे थे स्टार्टिंग थी करवा रहे थे अब थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा इसकी थ्योरी बता दे पावर नहीं जानते हो पावर क्या होता है एकांक समय में किए गए कार्य को एकांक समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं ठीक है तो यूनिट क्या होती है इनकी इनकी यूनिट होती है वॉट मेगा वोट किलो हॉर्स पावर ये सब इनकी यूनिट होती है एक किलो वॉट में एक किलो वॉट में टेन टू पावर थ्री वॉट एक मेगा वॉट में टेन टू पावर सिक्स वॉट एक हॉर्स पावर में टेन टू दौ छियालीस वोट ठीक है समझे कि नहीं समझे बाकी फॉर्मूला क्या होता है पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है ठीक है P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी होता है मैम ऐसा क्वेश्चन आएगा अरे आया है पेपर में ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है और मतलब क्लास टेंथ का क्वेश्चन है चलो आगे बढ़ेंगे बांध में एकत्रित पानी में क्या होती है एक बांध है अरे कौन है ये भाई अरे आरती की थाली लेकर के अच्छा ये साइंस की क्लास है है ना अब इनको पता चला है साइंस की क्लास है आरती की थाली लेकर के आओ इन्हें आरती उतारो पहले बांध में एकत्रित पानी में कोई ऊर्जा नहीं है विद्युत ऊर्जा है गतिज ऊर्जा है या स्थितिज ऊर्जा है चलो इस प्रश्न का उत्तर करो इस प्रश्न का उत्तर करो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन और आरती की थाली लेकर के आओ जिन्हें अभी अभी पता चला है ओ आई सी इसका मतलब ये विज्ञान की क्लास है बांध में एकत्रित ऊर्जा पानी क्या है जब कभी भी स्टोर्ड एनर्जी की बात करता है स्टोर्ड एनर्जी जब किसी पोजीशन के बारे में बात करता है ठीक है पोजीशन के बारे में जब भी कोई वस्तु एक height में स्थित होती है, इसका मतलब उसमें कौन सी एनर्जी पोटेंशियल मतलब एनर्जी होती है इसका मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा होती है क्लियर है कि नहीं क्लियर है क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ जल्दी से एक ही स्प्रिंग के आकार एक स्प्रिंग को बढ़ा दिया गया स्प्रिंग के आकार में परिवर्तन स्प्रिंग के आकार में परिवर्तन कौन सी ऊर्जा है स्प्रिंग के आकार में परिवर्तन कौन सी ऊर्जा जल्दी से बताएंगे कौन सी ऊर्जा हाँ क्यों मौका जाने दे स्प्रिंग के आकार में परिवर्तन ये तुम्हारी ये तुम्हारी स्थितिज ऊर्जा है ठीक है ये तुम्हारी स्थिति ये बताओ बहता हुआ पानी बहता हुआ पानी कौन सी ऊर्जा है इसमें बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा है ये बता दो बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा है बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा है बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा है गती ऊर्जा अगला एक वॉट घंटा किसके बराबर होता है? एक वॉट घंटा 3.6 into टू दी पावर 3 जूल 3.6 into टू दी पावर 2 जूल एक हॉर्स पावर या फिर 4.2 जूल एक वॉट घंटा किसके बराबर होता है? एक वॉट घंटा पावर पावर वाला यूनिट वर्क एनर्जी पावर एक वाट घंटा आपने एक मैराथन भी देखी होगी वर्क एनर्जी पावर की एक मैराथन भी हमने करवाई हुई है जाकर के देख सकते हो पूरा एक घंटे या डेढ़ घंटे का क्लास है उस उसमें पूरा करवाया हुआ है एन का एक एक न्यूमेरिकल उसमें करवाया हुआ है एक वाट घंटा किसके बराबर होता है थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर थ्री जूल के बराबर होता है ठीक है थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर थ्री जूल के बराबर होता है अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं एक वॉट घंटा एक वॉट घंटे को क्या लिख सकते हो एक वॉट घंटे को एक वॉट पावर की यूनिट क्या होती है पावर की यूनिट वर्क डन अपॉन में टाइम और घंटे की यूनिट सेकेंड इंटू सेकेंड लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो सेकेंड इंटू सेकेंड का मतलब है एक घंटे में साठ गुड़े साठ है ना होता है कि नहीं होता है और कार्य की यूनिट जूल टाइम की यूनिट सेकंड इंटू सिक्सटी सेकंड इंटू सिक्सटी सेकंड कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट छः चंग छत्तीस सौ छत्तीस सौ जूल सेकंड छत्तीस सौ क्या आया छत्तीस सौ जूल सेकंड आया ठीक है या सॉरी साठ गुड़े साठ ठीक है मतलब छत्तीस सेकंड है सेकंड से सेकंड कट गया छत्तीस सौ जूल आया क्वेश्चन पूछा जाता है एक वॉट घंटे में एक वॉट घंटे में कितने जूल एक वॉट घंटे में छत्तीस सौ जूल ठीक है एक वॉट घंटे में छत्तीस सौ जूल होते हैं समझ गए कि नहीं समझ गए इसी को ही क्या लिख सकते हो थ्री पॉइंट सिक्स इन टू टेन पावर थ्री जूल लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो थ्री पॉइंट टू टेन पावर थ्री जूल यही तो पूछा था एक वॉट घंटे में कितने जूल थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर थ्री इसमें कोई कंफ्यूजन इसमें कोई कंफ्यूजन बताओ जल्दी से ये कहां से आया क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या छ प्रश्न संख्या छ देखेंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है एक निश्चित उपकरण 1200 जूल पर सेकंड पर मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करता है या कहने के समान है कि उपकरण कितनी ऊर्जा खपत करेगा उपकरण कितनी ऊर्जा 20 मीटर पर सेकंड, 20 न्यूटन 20 20 किलोग्राम पर सेकंड या फर, या फर, या फिर 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 क्वेश्चन को देखो आराम से आंसर करो रजो स्वाति संध्या अभी ये दस क्वेश्चन फिजिक्स के दस क्वेश्चन बायोलॉजी के मिलेंगे दस क्वेश्चन बायोलॉजी के मिलेंगे सीधा सा क्वेश्चन कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है तुमसे पूछना है पावर ठीक है पावर अपॉन में टाइम कार्य कितना किया है बारह सो जूल टाइम कितना है पर मिनट मतलब साठ सेकेंड दूनी बारह मतलब बीस बीस जूल पर सेकंड ये साठ सेकंड थे कितनी खपत होगी कितनी खपत होगी बीस जूल पर सेकंड और जूल पर सेकंड किसके बराबर होता है जूल पर सेकंड वॉट के बराबर होता है जूल पर सेकंड किसके बराबर होता है जूल पर सेकंड वॉट के तो ये किसके बराबर है बीस वॉट के बराबर होगी पावर समझ में आई कितनी पावर लगेगी इसमें 20 वाट पावर लगेगी ठीक है 20 वाट पावर अगला एक ऐसा धातु जिसमें लोहा भी तैर सकता है कौन सी धातु है जिसमें लोहा तैर सकता है मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आया किसका कॉन्सेप्ट आया डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आया सोडियम मैग्नीशियम मैग्नीज या फिर पारा एक ऐसी धातु जिसमें लोहा तैर सकता है एक ऐसी धातु जिसमें लोहा तैर सकता है बताएंगे किसका घनत्व ज्यादा होगा किसके घनत्व के कम से अगर हम बात करें यहाँ पर लोहे की लोहे की डेंसिटी कितनी होती है लोहे की डेंसिटी कितनी होती है बता सकते हो लोहे की डेंसिटी कितनी होती है लोहे की डेंसिटी होती है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और अगर हम पारे की बात करते हैं पारे की डेंसिटी कितनी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा भैया इसकी लोहे की डेंसिटी कम है मरकरी की ज्यादा है इसलिए ये लोहा जो है मरकरी पर तैरेगा लोहा किस पर तैरेगा लोहा मरकरी पर तैरेगा तो एक ऐसी धातु जिसमें लोहा भी तैर सकता है वो है तुम्हारी पारा नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन या फिर आयरन हां, पारा से हाथ भी गीला नहीं होता पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में अर्थ की क्रस्ट पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है ठीक है पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा होता है ये तुम्हारा ऑक्सीजन होता है केशिका नली में किसी द्रव का चढ़ना केशिका नली में किसी द्रव का चढ़ना ये विस्कोसिटी है ऑस्मोसिस है डिफ्यूजन है या फिर सरफेस टेंशन है केशिका नली में किसी द्रव का ऊपर की ओर चढ़ना जैसे नहीं कहते हो जब जब बचपन में दिया से पढ़ते थे लालटेन से पढ़ते थे तो पुष्का जो मिट्टी का तेल था वो बत्ती में ऊपर रिस रिस करके चढ़ता था वो किसकी वजह से चढ़ता था किसकी वजह से चढ़ता था बताएंगे द्रव का ऊपर केसिका नली में ऊपर की ओर चढ़ना ठीक है अगला प्रश्न तनाव की यूनिट क्या होती है यूनिट क्या होती है बताएंगे सरफेस टेंशन यूनिट क्या होती है डाइन सेंटीमीटर डाइन पर सेंटीमीटर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर इनमें से कोई भी नहीं बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा पृष्ठ तनाव की यूनिट क्या होती है पृष्ठ तनाव f/l पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन t equals to क्या होगा f/l विस्कोसिटी कैसे हो जाएगी भाई विस्कोसिटी कैसे हो जाएगी विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन विस्कोसिटी नहीं होगी प्रश्न एल फोर्स की यूनिट फोर्स की यूनिट सीजीएस में फोर्स की यूनिट CGS में क्या हो जाएगी फोर्स की यूनिट सीजीएस में क्या हो जाएगी डाइन क्योंकि यहां पर उसमें दिया गया है और लेंथ की सेंटीमीटर तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा पृष्ठ तनाव की यूनिट क्या होगी पृष्ठ तनाव की यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर भैया यहां पर बात कर रहे केसिका नली में केसिका नली के बारे में बात कर रहा है कैपलरी ट्यूब के बारे में बात कर रहा है इसमें द्रव किसकी वजह से चढ़ेगा सरफेस टेंशन की वजह से क्यों कंफ्यूज हो इसमें शरीर में मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या होता है कैसे बताओ जीएस स्टडी बताओ पॉइंट बताओ अपना विस्कोसिटी का मतलब होगा विस्कोसिटी का मतलब होता है बहना किसी चीज के अंदर किसी चीज का बहाव फिर से एक बार अपना वो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट या फिर लिपिड्स बताएंगे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सबसे ज्यादा ऊर्जा हमको किससे मिलती है सबसे ज्यादा ऊर्जा हमको वसा से मिलती है सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमको किससे मिलती है वसा से मिलती है लेकिन अगर वसा हमारे ऑप्शन में नहीं है और हम ऊर्जा का स्रोत मानते ही हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट को मानते हैं कार्बोहाइड्रेट से हम एनर्जी लेते हैं ठीक है कार्बोहाइड्रेट से हम एनर्जी लेते हैं ठीक है सी वाला आंसर आपका सही होगा पोडोसाइट को किस में पाई जाती है पोडोसाइट सेल्स हाँ एक बार देख लो अभी देख सकते हो ऐसे कुछ नहीं पोडोसाइट सेल्स किडनी में लिवर में टेस्टिस में या फिर ओवरी में पोडोसाइट सेल पोडोसाइट सेल किसमें पाई जाती है बताएंगे पोडोसाइट सेल अभी कुछ दिनों पहले बताया था किसमें पाई जाती है सी बता रहे हो अब फिर बोलोगे कि मैडम ये इसका तो ये होता है कैसे बता देते हो पता नहीं सोच लो सोच लो क्या होगा पोडोसाइट सेल किडनी में पाई जाती है किडनी की यूनिट क्या होती है किडनी की यूनिट क्या होती है नेफ्रॉन होती है किडनी की यूनिट क्या होती है नेफ्रॉन होती है इसी नेफ्रॉन में क्या होती है ग्लोमेरुलस सेल इसी में क्या होता है ग्लोमेरुलस सेल ग्लोमेरुलस सेल के अंदर ही उंगली नुमा संरचनाएं देखने को मिलती है इन्हीं को ही क्या कहते हैं इन्हीं को ही हम कहते हैं पोडोसाइट सेल इन्हीं को हम क्या कहते हैं इन्हीं को ही हम कहते हैं पोडोसाइट सेल तो ये कहां पर पाई जाती है बेसिकली ये किडनी में पाई जाती है पोडोसाइट पोडोसाइट सेल कहां पर पाई जाती है किडनी में पाई जाती है प्रोजेक्शन -like लीला ने बताया बहुत बढ़िया किडनी में किडनी में किडनी में जो हमारी नफरन होती है ना निफर किडनी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है नफरन होती है उसी नेफर में ग्लोमेरुलस ठीक है ग्लोमेरुलस होता है ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत सारी जाल नुमा उंगली नुमा संरचना पाई जाती है जिसको ही हम कहते हैं पोडोसाइट सेल समझ गए उसे ही कहते हैं पोडोसाइट सेल ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है कोई बात नहीं पूजा ग्लूकोज का पाचन किस जगह से मुख गुहा से आमाशय से छोटी आंत से या फिर इनमें से कोई भी नहीं ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है ग्लूकोज का पाचन हाँ कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है देखो जबरदस्त तो उत्तर बता रहे हो ए वाला कितनी बार बताया है एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं बहुत बार बताया है ग्लूकोज का पाचन कहीं से भी नहीं क्योंकि भैया कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है और कार्बोहाइड्रेट पच करके क्या बनाती है पच पाचन ही ग्लूकोज में होता है तो इसका पाचन कहाँ होगा है ना कहे ना कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन लार में उपस्थित जीवाणु प्रतिरोधी एंजाइम कौन से होते हैं लार में उपस्थित जीवाणु प्रतिरोधी एंजाइम लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में कौन सा एंजाइम आंसुओं में कौन सा एंजाइम कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में कौन सा एंजाइम लाइसोजाइम पाया जाता है देखो लार में टाइलिन एंजाइम भी पाया जाता है लेकिन अगर पूछा जाए जीवाणुओं को मारने के लिए जीवाणुओं को मारने के लिए तुम्हारा लाइसोजाइम होता है ठीक है जीवाणुओं को मारने के लिए लाइसोजाइम किसमें पाए जाते हैं लाइसोजाइम किसमें पाए जाएंगे आंसू में पसीने में लार में या फिर ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ द एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन बेसिकली स्टार्च के पाचन में मदद करती है टाइलिन स्टार्च के पाचन में एंजाइम आंसू में पसीने में लार में इन सभी में क्या पाई जाती है एंजाइम जो कि बैक्टीरिया को मारने का काम करती है ठीक है लाइसोजाइम का क्या काम होता है बैक्टीरिया को मारने का काम अगला प्रश्न मानव के स्वस्थ आमाशय तथा आंत के भीतर की पीएच क्रमशः क्या होती है आंत के भीतर की पीएच आमाशय तथा आंत के भीतर की पीएच ये जो आमाशय एसिडिक होता है आंत एल्केलाइन होता है आमाशय एल्केलिन या फिर आंत एसिडिक बताएंगे कैपिलरी रुको अच्छा क्वेश्चन नंबर नौ जो है देखो किसी भी किसी भी चीज में या देखो रुई की बत्ती में रुई की बत्ती में, में भी जो द्रव या फिर तेल ऊपर चढ़ता है ये केशिकत्व के कारण ये केशिकत्व के कारण होता है ये बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ तो विस्कोसिटी लिखा है ना तो कैसे आप कह सकते हो ए वाला आंसर होगा ये बताओ हमको केशिकत्व के कारण तक कैपलरी ट्यूब होती है केशिकत्व के कारण होता है तो कैसे आप श्यानता कह सकते हो श्यानता तो बिल्कुल अलग है ना तो इस वजह से इस पर क्या आंसर होगा सरफेस टेंशन आंसर होगा देखते ही नहीं हो इसलिए हम कह रहे हैं शांता तो बिल्कुल भी नहीं होगा पृष्ठ तनाव क्या होता है मतलब जैसे मान लो कोई भी चीज है कोई भी ग्लास है उस पर पानी भरा हुआ है उस पर पानी भरा हुआ है तो किसी भी पानी की बूंद पर हर जगह से एक तरीके का प्रेशर लगता है ठीक है और जैसे मान लो कोई भी ट्यूब रख दी जाती है तो प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं पानी तो इस वजह से इसका आंसर जब के शिकत्व नहीं है उसके केस में हम सरफेस टेंशन आंसर देते हैं अभी क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ किसी वस्तु का वाघुर जो कम से कम जगह गिरता है बिल्कुल विस्कोसिटी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल सही बात याद कर दी वही तो तब से बता रहे तभी हमने बोला चेक करो चलो कोई बात नहीं कंफ्यूजन होता है कोई क्वेश्चन में ठीक है स्वस्थ मानव के स्वस्थ आमाशय और आंत के भीतर की कि पीएच कितनी होती है पीएच पीएच कितनी कितनी होती है? कितनी होती है है इसकी आमाशय का पीएच आमाशय हमारा एसिडिक होता है आमाशय के अंदर हमारा एच और आंत में भी आंत में क्या होता है आंत का पीएच एल्कलाइन क्षारीय सेवन पॉइंट एट ठीक है आत आँत में छारी होती है सेवन पॉइंट एट होता है आमाशय एसिडिक होता है सेवन वन पॉइंट एट होता है यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हैनले लूप किसमें पाई जाती है लूप ऑफ किस किसमें पाई जाती है फेफड़ों में हृदय में यकृत में या, या फिर किडनी में लूप ऑफ किस किसमें पाई जाती है लूप का संबंध किससे है ये बताएंगे हेनले लूप का संबंध किससे आया ना उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है उत्सर्जन तंत्र में भी किडनी से संबंधित है कहा पर स्थित होता है मध्य भाग में स्थित होता है ठीक है मध्य भाग में स्थित होता है तो हेनले लूप का संबंध किडनी से होता है विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से कौन सा रोग होता है ये बताएंगे किलोसिस बेरी एनीमिया या फिर स्कर्वी बोलो सी बिल्कुल विटामिन बी ट्वेल्व क्या नाम है साइनो को बाला मिन। साइनो को बाला मिन ठीक है जिसकी कमी से परनीसियस एनीमिया क्या हो जाता है परनीसियस एनीमिया हो जाता है सी वाला आंसर आपका सही है, एट्टी थ्री परसेंट आंसर। अगला, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग का संबंध किससे? विटामिन सी, विटामिन डी, e. विटामिन ए, विटामिन ई। स्कर्वी रोग का संबंध किससे? बोल हैंग होता है ना हाँ, स्कर्वी रोग का संबंध किससे? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से हो जाता है ठीक है स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है विटामिन डी की कमी से क्या होता है रिकेट्स ऑस्टोमेलेशिया विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है रतौंधी हो जाती है विटामिन ई e की कमी से जनन क्षमता में कमी जनन क्षमता में कमी हो जाती है कौन सा वाला आंसर हो जाएगा ए वाला आंसर सही है 75% सेवेंटी फाइव निम्न में से आपने कौन सा अपने वसी अम्ल में प्राप्त नहीं होता है वसी अम्ल से कौन सा प्राप्त नहीं होता है विटामिन ए डी ई सी ई कौन सा अपने वसी अम्ल से प्राप्त नहीं होता है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी कौन सा अपने वसी अम्ल से प्राप्त नहीं होता है विटामिन ए विटामिन डी विटामिन सी विटामिन ई e. तो जल में घुलनशील है विटामिन बी और विटामिन सी ठीक है ये सी जो है जल में घुलनशील जल में घुलनशील कौन से होंगे विटामिन बी और विटामिन सी वसा में घुलनशील कौन से होंगे -E वसा में घुलनशील के ए नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन ए किसके संश्लेषण का पुरोगामी है विटामिन ए किसके संश्लेषण का सोमैटोस्टैटिन स्कोटॉपन या फिर आयरिस के वर्णक का विटामिन ए किसके लिए जिम्मेदार है विटामिन ए अरे भाई विटामिन ए का नाम क्या है रेटेनॉल। क्या नाम है रेटेनॉल किसके संश्लेषण के पुरोगामी पुरो है रेटिनिन के संश्लेषण का किसके रेटिनिन के संश्लेषण का यही पर आप कुछ क्वेश्चन के आंसर दोगे यही पर आप कुछ क्वेश्चन के आंसर दोगे किलोसिस किलोसिस रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है बताओ किलोसिस कौन से विटामिन की कमी से होता है माया गोविंद काव्या शिवशंकर स्वाति किलोसिस कौन से विटामिन की कमी से होता है मैं में ही बताएंगे एनीमिया एनीमिया कौन से विटामिन की कमी से होता है जल्दी से बताएंगे परनीसियस विटामिन एनीमिया कौन से विटामिन की कमी से होता है दोनों का आंसर दो तो जल्दी से दोनों का आंसर भैया ऊपर वाले का भी तो दे दो किलोसिस विटामिन बी टू की कमी से विटामिन बी टू की कमी से एनीमिया, विटामिन बी कमी से ठीक है विटामिन की कमी से, दोनों याद है कि नहीं याद है ये बताओ इसके अलावा रक्त का थक्का ना बनना ब्लड क्लोटिंग ना होना रक्त का थक्का ना बनना कौन से विटामिन की कमी से रक्त का थक्का ना बनना विटामिन के कमी से विटामिन के की कमी से होते हैं। अगला व्यक्ति में विटामिन बी सिक्स की कमी से कौन सा होता है? विटामिन बी सिक्स की कमी से रक्तस्राव रिकेट्स आरक्तता या काली जीभ रोग। विटामिन बी सिक्स की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ये बताओ। विटामिन बी सिक्स की कमी से क्या नाम है बी सिक्स का? बी सिक्स का नाम क्या है और बी सिक्स की कमी से एनीमिया हो जाता है बी सिक्स का नाम क्या है सबके नाम याद है कि नहीं याद है विटामिन बी के अंदर कितने प्रकार के विटामिन आते हैं आठ विटामिन आते हैं विटामिन बी के अंतर्गत आठ विटामिन आते हैं क्या ट्रेन टी आर एन साइनो ट्रेन पीपी पी बी आफ, साइनो ठीक है ट्रेन पीपी बी एफ साइन हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ट्वेल्व नाम याद है सबके कि नहीं याद है टी से थायमीन आर से राइबोफ्लेविन आई आर से राइबोफ्लेविन एन से नियासिन एन से नियासिन पी से पेन्टोथेनिक पेन्टोथेनिक ठीक है पी से पायरीडॉक्सिन पायरीडॉक्सिन बी से बायोटिन बी से बायोटिन एफ से फॉलिक एसिड एफ से फॉलिक एसिड फॉलिक अम्ल साइनो से साइनोकोबालामिन साइनो कोबाला मिन क्लियर साइनो कोबाला मिन इस तरीके से B6 की कमी से B6 का नाम क्या हो गया पायरीडॉक्सिन B6 का नाम क्या हो गया पायरीडॉक्सिन ठीक है इसकी कमी से कौन सा रोग एनीमिया रोग हो जाता है अगला देखेंगे वह विटामिन जो साधारणता मनुष्य के यूरिन से निकाल दिया जाता है मनुष्य के पेशाब से निकाल दिया जाता है कौन सा विटामिन विटामिन ए सी के डी कौन सा विटामिन है बताएंगे जल्दी से कौन सा विटामिन है ये कौन सा कौन सा विटामिन है जो कि थोड़ा सा हीट देने पर नष्ट हो जाता है थोड़ा सा हीट दे दो थोड़ा सा गर्म कर दो नष्ट हो जाता है कौन सा विटामिन है कौन सा विटामिन है जो कि यूरिन से एक्सक्रीट होता है ये विटामिन सी हो जाएगा ठीक है मानव द्वारा पेशाब से निकाल दिया जाता है विटामिन सी कृत्रिम अब केमिस्ट्री के, के क्वेश्चन कृत्रिम रेडियो गतिविधि की खोज किसने की थी कृत्रिम रेडियो गतिविधि की खोज किसने करी थी मंडे से जो है मंडे से जो है इन्हीं सब के इन एक एक टॉपिक के पांच पांच क्वेश्चन मतलब एक नए तरीके से मंडे से स्टार्ट करेंगे अभी तक की जो भी पढ़ रहे थे बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे थे मतलब एक कहते हैं पिछला रिवाइज करना रिवीजन चल रहा था अब आपको जो है पूरा और अच्छे लेवल पर बढ़ना है क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम हर हाल में निकालना है और लेवल बढ़ा 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 रहेगा तभी आप निकाल सकते हो और एकदम से पहले ही हाई लेवल पढ़ा दो तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा इस वजह से टॉपिक वाइज चीज़ें भी आएंगी मिक्स क्वेश्चन भी आएंगे और लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा संडे को मैराथन होगी बिल्कुल सिक्स टू एट की संडे को मैराथन होगी जिसमें हम लोग इस बार फिजिक्स करेंगे ठीक है फिजिक्स करेंगे फिजिक्स की थ्योरी फिजिक्स के एमसीक्यू फिजिक्स के न्यूमेरिकल ये सारी चीज़ें करेंगे यहाँ पर बात करी जा रही है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी अभी तक की प्राकृतिक जो रेडियो धर्मिता होती है रेडियो सक्रियता होती है वो हेनरी बैकरल थे लेकिन कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी कृत्रिम रेडियो सक्रियता इसकी खोज किसने करी थी इसकी खोज आयरिन करी थी इसकी खोज किसने करी थी इसकी खोज जो है क्यूरी ने करी थी। समझे कि नहीं समझे इसकी खोज किसने करी थी आयरिन क्यूरी ने करी थी क्लियर है यहाँ पर वर्ग दो साइंस का लेवल हाई रहेगा वो एक बजे मिलेगा वो और ज्यादा हाई रहेगा

सबसे ज्यादा किसकी होती है बताओ सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है गामा की होती है फिर किसकी होती है बीटा की होती है फिर किसकी होती है अल्फा की होती है तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भेदन क्षमता की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा गामा की सबसे कम किसकी तो अल्फा की हो जाती है प्रश्न संख्या छब्बीस प्रश्न संख्या छब्बीस ये भी आप पढ़ते हो नाइन टेंथ में भाई नाइन टेंथ का लेवल तो आपको रखना ही पड़ेगा सिक्स टू एट का एग्जाम देने जा रहे हो और जो बच्चे सोच रहे हैं कि तो नहीं हम भी जो है सोचते हैं या मतलब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ऐसा ही अरे जो है सिर्फ लेवल हाई है मतलब टफ है ऐसा एग्जाम नहीं पूछेगा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा जबकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे फिर सोचते हो अच्छा पढ़ लिए रहते तो बढ़िया रहता एक रेडियो दर्मिता तत्व नाइनटी एक्स टू थर्टी टू परमाणु छ के बाद एक स्थिर तत्व देता है इस नाभिकीय प्रक्रिया में उत्सर्जित अल्फा तथा बीटा कणों की संख्या क्रमशः इतनी होगी अल्फा कण और बीटा कण मंडे से वंदना मंडे से कॉन्सेप्ट भी यही यूट्यूब पर भी थोड़े-थोड़े से करवाएंगे ठीक है मंडे से वंदना अल्फा और बीटा कणों की संख्या आपको बतानी है अल्फा और बीटा कणों की संख्या आपको बतानी है इस पर क्या होगा सॉल्व करना पड़ेगा इसको हम सिखा देंगे तुम्हें बहुत इजी होता है बहुत इजी होता है जैसे एक तुम्हारा तत्व दे दिया गया नाइन्टी यू नाइन्टी एक्स टू थर्टी टू नाइन्टी एक्स टू थर्टी टू परमाणु छ के बाद एक स्थिर तत्व देता है इस नाभिकीय प्रक्रिया में अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन होता है जिसके बाद बयासी गामा टू जीरो एट बयासी वाई टू जीरो एट ये बनता है अब इससे तुमको अल्फा कण उत्सर्जित करने और फिर बीटा कण उत्सर्जित करने तो कितने अल्फा उत्सर्जित होंगे कितने बीटा उत्सर्जित होंगे कैसे सॉल्व करोगे कैसे सॉल्व करोगे इसके लिए क्या करना है तुमको अल्फा कणों की संख्या निकालने के लिए अल्फा कणों की संख्या निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा इसका जो द्रव्यमान संख्या होती है द्रव्यमान संख्या का अंतर द्रव्यमान संख्या का अंतर बटे में चार द्रव्यमान संख्या का अंतर बटे में चार ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा द्रव्यमान संख्या का अंतर टू थर्टी टू माइनस टू जीरो एट बाई फोर ठीक है कितना आएगा बारह में से आठ गए चार दो चार छोबीस कितने अल्फा कण, अल्फा कण। अगर आप ऐसे देखो तो दो ऑप्शन मिल रहे हैं मतलब तुमको आगे और सॉल्व करना पड़ेगा छः अल्फा कर अब ये तो तुम्हारा 90x 232 है ठीक है 90x 232 इससे तुमको क्या करना है इससे तुमको छः अल्फा कर उत्सर्जित करने है। इससे तुमको छः अल्फा कर जूनियर एस्टेट के लिए क्लास कब से होगा ये जूनियर एस्टेट के लिए ही स्टडी विद सिंधु क्लासेस चल रही हैं बस ये है कि थ्योरी वाली क्लासेस एप्लीकेशन पर कुछ दिनों में आपको बैच पता चल जाएगा कब से स्टार्ट है उस पे आप देख सकते हो ठीक है आपको पता होगा एक अल्फा कण उत्सर्जित करने पर एक अल्फा कण उत्सर्जित करने पर द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है ठीक है क्योंकि एक अल्फा कण ही एक हीलियम परमाणु के नाभिक के बराबर होता है तो द्रव्यमान संख्या में चार की कमी परमाणु क्रमांक में दो की कमी तो क्योंकि यहाँ पर एक उत्सर्जित हो रहा है तो इतना जब हम छः उत्सर्जित करेंगे छः उत्सर्जित करेंगे छः चौको चौबीस द्रव्यमान संख्या में चौबीस की कमी और इसमें छः दूनी बारह परमाणु क्रमांक में बारह की कमी ठीक है परमाणु क्रमांक में कितनी की कमी बारह की कमी ठीक है नाजिया बताते हैं क्या सादिया ठीक है तो ये क्या हो जाएगा टू थर्टी टू में से चौबीस माइनस कर दो और नब्बे में से बारह माइनस कर दो टू थर्टी में से चौबीस माइनस कर दो और नाइनटी में से बारह माइनस कर दो क्या हो जाएगा बारह में से चार जाएंगे आठ जीरो दो टू जीरो माइनस करो आठ सेवेंटी एट कितना आ गया सेवनटी एट एक्स टू जीरो एट सेवेंटी एट एक्स टू जीरो एट अरे पहले इसको समझो पहले अच्छा सेवेंटी एट एक्स टू जीरो बनाना क्या है नाइंटी टू वाई टू जीरो क्या बनाना था एट्टी टू एट्टी टू वाई टू जीरो एट अब तुमको किसका उत्सर्जन करना है बीटा किरणों का उत्सर्जन करना है कितने बीटा कण? आप जानते हो एक बीटा कण किसके बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है एक बीटा कण, एक, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है मतलब परमाणु क्रमांक में परमाणु क्रमांक में परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि होगी एक की वृद्धि होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या में द्रव्यमान संख्या में नो no चेंज द्रव्यमान संख्या में नो no चेंज समझ गए तो क्या हो जाएगा अठहत्तर में कितना चार बढ़ रहे हैं और इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा तो कितने बीटा कण उत्सर्जित चार बीटा कण उत्सर्जित कितने बीटा कण उत्सर्जित चार बीटा कण उत्सर्जित लेंदी कुछ नहीं करना तुमको ऐसे ही पड़ेगा तो क्या हो जाएगा छ अल्फा कण, अल्फा कण और चार बीटा कण बी बी वाला वाला आंसर आंसर सही सही। हो जाएगा। वाला सही। मास में no हां, ऐसे भूल जाएंगे कोई कुछ भूलना ही नहीं है कुछ भूलना ही नहीं है सबसे सिंपल तरीका बताए सबसे सिंपल तरीका दोनों के मास का अंतर मास का डिफरेंस निकाल लो चार से डिवाइड कर दो फिर इससे जितने भी आए कर उतना उत्सर्जित करके नीचे वाले में जोड़ दो तो बीटा आएंगे खत्म एक बार इसको ध्यान से देख लो तुम्हें आ जाएगा एल्फा कणों की संख्या निकालने के लिए नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल्स डिफरेंस ऑफ मास नंबर अपॉन में फोर ठीक है जा सकते हो अगर तबियत खराब है तो जा सकते हो इस क्वेश्चन को देख लो और समझ लो ठीक है इस क्वेश्चन को देख लो अब जैसे तुमको अल्फा कणों की संख्या निकल आई तो तुम इसको निकाल लोगे और इसको जैसे ही निकाल लोगे तुरंत से देख लो कितना ज्यादा है ये जितने ज्यादा होंगे उतने ही बीटा कण हो जाएंगे खत्म ये सब तो समझाने में लग गया इतना तो सिर्फ समझाना समझाने में टाइम लग गया वरना इसका कोई यूज नहीं था दो लाइन का सॉल्यूशन था दो लाइन का अल्फा समझ में आ गया बीटा वाला नहीं समझ में आया बीटा वाले में बस जितना अल्फा आया है ना सेवेंटी एट में देखो कितना ज्यादा एट्टी टू है सेवेंटी एट से कितना ज्यादा एट्टी टू है चार ज्यादा है एट्टी टू तो इसमें कितने हो जाएंगे चार बीटा हो जाएंगे चार बीटाकड़ हो जाएंगे बस अब बताओ बताओ आ, सचिन और कोई अरे भैया इनको बताओ छह मिनट लेफ्ट ना बताओ इसे बताओ ये समझ में आया शॉर्ट में समझा दे शॉर्ट में भी कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है नाइनटी एक्स टू थर्टी टूटी टू वाई टू जीरो क्या करना है दोनों का अंतर निकाल लो एल्फा निकाल लो गर्टी टू माइनस टू जीरो छे निकला है छे अल्फा कण उत्सर्जित मतलब छ अल्फा कण उत्सर्जित मतलब छः चौको चौबीस इसमें माइनस छोनी बारह इसमें माइनस कर दो माइनस सेवेंटी एट एक्स ऊपर कितना आएगा टू जीरो ज्यादा चार ज्यादा चार बीटा आ गया तुम्हारा आंसर आ गया तुम्हारा आंसर एक बार फिर से देख लो अभिलाषा को समझ में आ गया आदर्श फिर से बता दिया एक बार फिर से देखो चले आगे ना क्या करना है फालतू का दिमाग लगा के है ना गामा रेस कैसी होती है हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी प्रोटॉन्स या हाई एनर्जी मेसोन गामा किरणें होती हैं, गामा किरणें, गामा रेस उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगें, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हाई एनर्जी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। पक्का हम्म हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बीटा कणों का उत्सर्जन कैसे होता है बीटा कणों का उत्सर्जन कैसे होता है ये बताओ बीटा कणों का उत्सर्जन कैसे होता है द वैलेंस सेल ऑफ एन एटम एक परमाणु का वैलेंस कोल द इनर सेल ऑफ एन एटम द न्यूक्लियस ड्यू टू न्यूक्लियर कन्वर्जन न्यूट्रॉन

प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के कारण नाभिक न्यूट्रॉन से फिर प्रोटॉन में प्रोटॉन से फिर इलेक्ट्रॉन में कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं तो चलो इतना ही रखते हैं इतना ही रखते हैं आज के सेशन के लिए इलेवन ए एम बस आप इतना समझ लो इलेवन ए एम मंडे से अभी तो कल फ्राइडे है ना कल फ्राइडे है कल और रिवीजन करवाएंगे ठीक है कल और रिवीजन करवाएंगे अभी हम ठीक है क्योंकि तुम्हारा लेवल बहुत ज्यादा नहीं है अभी ठीक है रिविजन करवाएंगे बाकी मंडे से सुन लो मंडे से आप ये समझ लो कि 20 मिनट चालीस 20 मिनट, 40 मिनट 40 मिनट एमसीक्यू करेंगे कुछ ये स्ट्रेटेजी रहेगी मंडे से बताओ सभी लोग एग्री हो कि नहीं एग्री हो कि नहीं ये बताओ जल्दी से राजेश प्रियंका रज्जो लेवल लेकिन ये पूरा हफ्ता रिवीजन, रिवीजन के लिए था मैंने पहले भी बोला था कि देखो भाई रिवीजन कर रहे हैं इस बार अभी रिवीजन चल रहा है लेवल यही हमेशा नहीं रहेगा मंडे से लेवल बढ़ाएंगे कल का दिन और रिवीजन करेंगे और कल के दिन में कल के दिन हम फिफ्टी क्वेश्चन लेकर के आएंगे कल टॉप फिफ्टी क्वेश्चन आएंगे रिवीजन के लिए मंडे वाला, है। तो यही वाला रख रहे हैं कि वाली क्लास के लिए भी ग्यारह बजे वाली क्लास के लिए भी और यही कॉन्सेप्ट रखेंगे एक बजे वाली क्लास के लिए भी एक बजे वाली क्लास एमपीडेड वाले बच्चों के लिए साथ ही साथ बिहार वाले बच्चों के लिए बिहार में टेंथ वाले बच्चों के लिए क्योंकि अब जितना पढ़ाया था वो तुम्हें आ चुका है लेवल तुम्हारा बढ़ चुका ऑलरेडी अब और भी चीजें उसमें ऐड करनी है ये वन पीएम वाली क्लास के लिए बता रहे हैं अब इसमें और भी चीजें ऐड करनी है साथ ही साथ एक सेशन कल लेकर के आ रहे कल बिहार कल बिहार टीआरी टू पॉइंट टू तो के लिए नाइन टेंथ वाले प्रिपरेशन कैसे करें साइंस की साइंस की प्रिपरेशन कैसे करें कल आ रहा है टाइमिंग रहेगी शाम को साढ़े चार बजे यही टाइम मेरा फ्री है शाम को साढ़े चार बजे इसमें जितने बच्चे डाउट पूछना चाहते हो तुम लोग भी पूछ सकते हो सिक्स सेवेंथ वाले कैसे तैयारी करें तो एक डाउट के लिए लेकर के आ रहे हैं ताकि चीजें तुम कैसे प्रिपेयर करनी है कैसे कौन सी फॉलो करनी है लेवल ज्यादा होगा अट्ठाईस वाला फिर से बता दे अट्ठाईस वाला तो सिंपल है गामा रेस किस तरीके की होती है भाई गामा रेस का कोई चार्ज नहीं होता है गामा रेस का नो चार्ज कोई चार्ज नहीं होता है इनका क्या हो गया काव्या अच्छा ब्लॉक नहीं हुई अनब्लॉक नहीं हुई काव्या वो बोल रही हो पढ़ने में बहुत अच्छी हो लेकिन वो क्या बताएं ये मेरे हाथ में नहीं थे पता नहीं यहाँ से सही नहीं हो रहा चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच ठीक है यही करेंगे मंडे से यही चलेगा और मंडे से चीजें बढ़ेंगी ठीक है चीज़ें और आगे से बढ़ेंगे ना मतलब हमेशा अभी बहुत अच्छे से तैयारी हो चुकी है वो अच्छा सोचो स्टार्टिंग जब हमने करी थी तो लेवल बहुत कम था अब लेवल हो चुका कुछ भी पूछते हैं आंसर तुम्हारे आते हैं साढ़े चार बजे एक लाइव सेशन होगा जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हो हमसे ठीक है तो उसके रिप्लाई मिलेंगे आप लोगों को और अब और भी आगे बढ़ना है ना रिजिट थोड़ी रहना एक ही जगह पे नहीं रहना है आगे बढ़ना है चलिए थैंक यू सो मच सभी बच्चों को जुड़ना है सभी को ग्यारह बजे और एक बजे अब एक बजे मिलेंगे थैंक यू टेक केयर